दोस्तों, अगर आप भी भारतीय टीम की जीत से खुश हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, शुरू होने वाला है 2023 का नया साल। एशिया चैंपियन श्रीलंका आ रही है देने भारतीय टीम को चुनौती। होने वाले भारतीय क्रिकेट में ऐतिहासिक बदलाव। वनडे और T20 सीरीज में दिखेगा भारतीय टीम का असली जलवा। क्या हो सकती है भारत की संभावित प्लेइंग 11, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा, हार्दिक पांडे और महेंद्र सिंह धोनी में से बेहतरीन कप्तान कौन है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, 2022 की कड़वी सच्चाई, कड़वी यादों को भुलाकर 2023 में राज करने का समय है। कुछ यही सोचकर भारतीय टीम नए साल की शुरुआत करने वाली है, क्योंकि इस साल दो सबसे अहम ICC इवेंट और एशिया कप होने वाले हैं, जिसमें भारतीय टीम अपना कब्जा जमाना चाहती है। इसकी शुरुआत में ही हमें एशिया चैंपियन श्रीलंका से दो चीजों में जबरदस्त घमासान देखने को मिलने वाला है। आपको बता दें, श्रीलंका क्रिकेट टीम जनवरी में भारत का दौरा करेगी, जहां T20 और वनडे मुकाबले खेले जाने हैं। नए साल में भारतीय क्रिकेट टीम 2022 के खराब साल और परफॉर्मेंस को भुलाकर नए सिरे से शुरुआत करना चाहेगी। 2022 भारतीय टीम के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा है। टीम को पहले एशिया कप और फिर T20 वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में हार का सामना करना पड़ा है। दोस्तों, 2023 के श्रीलंका के भारत दौरे में 6 मैचों की सीमित ओवर की सीरीज शामिल है, जिसमें 3 वनडे और 3 T20 इंटरनेशनल खेले जाएंगे। पूरी सीरीज जनवरी 2023 में समाप्त हो जाएगी और हमें हिंदुस्तान की सरजमी पर 6 ऐतिहासिक मैदानों में देखने को मिलने वाली है। BCCI ने अपने ऑफिशियल बयान में बताया है कि भारत का 2022-23 अंतर्राष्ट्रीय घरेलू सत्र जनवरी में श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की T20 इंटरनेशनल और 3 मैचों की वनडे सीरीज के साथ शुरू होगा। श्रीलंका के आखिरी बार फरवरी मार्च 2022 के भारत का दौरा किया था और उन्होंने 3 मैचों की T20 सीरीज 0-3 से और 2 मैचों की सीरीज 0-2 से गवा दी थी। दोस्तों, श्रीलंका ने कुछ समय पहले ही हमें एशिया कप में हराया था, तो ये चुनौती हमारे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली है। लेकिन भारतीय टीम भी जोश से लबरेज है। बता दें, टीम T20 मैचों की सीरीज में जबरदस्त मुकाबले 3, 5 और 7 जनवरी को मुंबई, पुणे और राजकोट में खेले जाएंगे। वहीं वनडे मैच क्रमशः 10, 12 और 15 जनवरी को गुवाहाटी, कोलकाता और त्रिवेंद्रम यानी कि विशाखापट्टनम में खेले जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें, सीरीज में T20 के कप्तान हार्दिक पांड्या हो सकते हैं। जी हां, सही सुना आपने, BCCI इसका जल्द ही ऐलान करने वाला है। मीडिया सूत्रों के अनुसार अब वनडे और टेस्ट के कप्तान रोहित शर्मा रहेंगे, वहीं T20 के कैप्टन हार्दिक पांड्या को बनाया जाएगा। हालांकि दोस्तों, इस बात की पुष्टि अभी नहीं हो पाई है, लेकिन हार्दिक ने न्यूजीलैंड सीरीज और IPL में खुद को साबित किया है। ऐसे में यदि हार्दिक पांड्या और IPL में खुद को साबित करते हैं तो उसी को कोई परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या में किसे T20 क्रिकेट में कप्तानी करानी चाहिए, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।